वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आज आपको कानों से संबंधित रोग के बारे में बताते हैं। इसमें बहरापन, कानों से कम सुनाई देना, कान में दर्द होना, कान में पस पड़ जाना या कान का कटना, ये सभी कानों से संबंधित रोग होते हैं। कान का प्रमुख ग्रह बुध है। थर्ड हाउस और इलेवंथ हाउस से हम कानों के रोग का विचार करते हैं। अब आपको बहरेपन के ज्योतिषीय योग बताते हैं। बुध त्रिक भावों में शनि युक्त या शनि से दृष्ट हो। थर्ड लॉर्ड तीसरे भाव का स्वामी सूर्य या मंगल शनि से युति करे, यानी कि इनमें से दो पाप ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। थर्ड हाउस और इलेवंथ हाउस दोनों में पाप ग्रह बैठे हों। बुध तथा सिक्स लॉर्ड छठे भाव का स्वामी दोनों फोर्थ हाउस में बैठे हों तथा शनि लगन में बैठा हो। बुध सूर्य मंगल व शनि युक्त तीनों चारों ग्रह सातवें भाव में बैठे हों। बुध तथा छठे भाव के स्वामी दोनों पर पाप प्रभाव हो। शनि छठे भाव में स्थित हो और सिक्स्थ लॉर्ड बुध को दृष्टि दे या बुध के साथ स्थित हो। चंद्रमा मंगल बुध तीनों एक साथ राहु केतु एक्सेस में हो। थर्ड लॉर्ड तीसरे भाव का स्वामी पाप प्रभाव में शत्रु राशि में हो। थर्ड लॉर्ड तीसरे भाव का स्वामी मंगल के साथ लगन में बैठा हो। कुछ अन्य रोग भी कान के होते हैं, जैसे कान में दर्द होना, कान का बहना, कान में पस पड़ जाना। इनके ज्योतिषीय योग थर्ड हाउस पर तीसरे भाव पर पाप प्रभाव हो या थर्ड हाउस पाप कत्री हो तो कान में दर्द होता है। थर्ड हाउस में शनि हो तथा पाप ग्रह की दृष्टि हो या युति हो तो कान में सड़न पैदा हो जाती है। इलेवंथ हाउस में पाप ग्रह हो तथा इलेवंथ लॉर्ड पर पाप प्रभाव हो। अब आपको गूंगापन के बारे में योग बताते हैं। जातक में बोलने की क्षमता ना होना गूंगापन कहलाती है। यह रोग भी जन्मजात हो सकता है या आगंतुक हो सकता है, आगंतुक यानी कि जन्म के बाद। बुध और गुरु वाणी के प्रतीक ग्रह हैं तथा सेकंड हाउस व सेकंड लॉर्ड वाणी के भाव व कारक होते हैं। गूंगापन के ज्योतिषीय योग इस प्रकार है। सेकंड लॉर्ड यानी कि द्वितीय व गुरु दोनों त्रिक भावों में युति करें। सिक्स्थ लॉर्ड बुध व गुरु के साथ लगन में हो। अमावस्या का जन्म हो तथा कर्क वृश्चिक या मीन राशि में बुध हो तथा चंद्रमा से दृष्ट हो। सेकेंड हाउस व सेकेंड लॉर्ड दोनों पाप प्रभाव में हो तथा बुध नीच का हो या अस्त हो या पाप प्रभावों में या त्रिक भावों में स्थित हो तो ये गूंगापन का योग है। अब आपको बताते हैं हकलाहट, अटक कर बोलना या बोलते समय कुछ शब्दों पर अटक जाना हकलाहट कहलाता है। सेकेंड हाउस पर पाप प्रभाव हो,
सेकंड लॉर्ड वित्तेश निर्बली हो तथा वाणी का कारक ग्रह बुध निर्बली हो तो ये हकलाट का रोग हो जाता है। बुध नाइन्थ हाउस में हो तथा शुक्र टेंथ हाउस में हो तो भी हकलाट का रोग होता है। सेकंड हाउस में पाप ग्रह हो तथा पाप ग्रह की दृष्टि हो, सेकंड हाउस में बुध हो तथा पाप ग्रहों का प्रभाव हो। अब आपको एक कुंडली दिखाते हैं। यह कुंडली है 14 मार्च 2009 14:30 और दिल्ली जन्म स्थान है इसका। यह कर्क लगन व तुला राशि की कुंडली है। लगन में ही केतु बैठा है, सेकंड हाउस में शनि है, फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, सातवें भाव में राहु और गुरु हो, आठवें भाव में सूर्य मंगल और बुध है तथा नाइन्थ हाउस में शुक्र है। लगन 9:10 का है तथा वृद्ध अवस्था में है। लग्नेश चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि है। लगन राहु केतु एक्सेस में है तथा लगन और लग्नेश दोनों निर्बली हैं। सेकंड हाउस में मार्केश और अष्टमेश शनि बैठा है। मंगल और सूर्य आठवें भाव में बैठकर सेकंड हाउस को दृष्टि दे रहे हैं जहां सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है। सेकंड लॉर्ड सूर्य आठवें भाव में शत्रु के घर बैठा है। सेकंड लॉर्ड व एट्थ लॉर्ड का आपस में राशि परिवर्तन एक दैन्य योग है। वाणी का कारक ग्रह बुध एट्थ हाउस में शनि मंगल व सूर्य के प्रभाव में है। यह जातक हकलाता है। अब आपको दांत के रोग के बारे में बताते हैं। दांतों से संबंधित रोग को दंत रोग कहते हैं। जैसे दांतों में दर्द होना, कीड़ा लगना, दांत टूट जाना, पायरिया इत्यादि। दंत रोग के ज्योतिषीय योग इस प्रकार है। लगन में मेष राशि, वृष राशि या धनु राशि में पाप ग्रह हो तो पायरिया हो जाता है। सिक्स्थ हाउस में राहु केतु हो तो दांतों में दर्द होता है। ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा त्रिकोण में शनि व एट्थ हाउस में सूर्य हो तो भी दांतों के रोग हो जाते हैं। सेकंड हाउस में पाप ग्रह हो व पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो भी दांत में रोग होता है। लगन में गुरु और राहु की युति चंडाल योग दांतों में दर्द देती है। राहु लगन या फिफ्थ हाउस में हो तो भी दांत में दर्द होता है। सेकंड लॉर्ड व सिक्स्थ लॉर्ड दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव में हो। सेकंड लॉर्ड और राहु की युति त्रिक भावों में यानी कि 6-8-12 भावों में हो तो भी दांत में दर्द होता है। अब आपको अन्य मुख से संबंधित रोगों के बारे में बताते हैं। मुख के बहुत से अन्य रोग भी होते हैं। मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह में सूजन आना, मुंह में बदबू होना। मुंह के लिए सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड व बुध से विचार किया जाता है। सेकंड हाउस में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह का प्रभाव हो, सेकंड लॉर्ड का पीड़ित होना, बुध पर पाप प्रभाव होना या सेकंड लॉर्ड व बुध दोनों एक साथ त्रिक भाव में बैठे हों तो मुख संबंधी रोग होते हैं। मंगल का प्रभाव सेकंड हाउस या सेकंड लॉर्ड पर हो तो मुंह में छाले हो जाते हैं। मंगल की राशि में बुध और मंगल दोनों की युति हो तो भी मुंह में छाले होते हैं। सेकंड हाउस में सूर्य और मंगल दोनों एक साथ बैठे हों या उस पर सूर्य और मंगल दोनों का एक साथ प्रभाव हो तो भी मुंह में छाले होते हैं। लगन में मेष राशि में चंद्रमा हो, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो भी मुंह से बदबू आती है। मेष राशि
या कर्क राशि में शुक्र हो तो भी मुंह से बदबू आती है। नमस्कार।